गुड इवनिंग एवरी वन गुड इवनिंग सर कैसे हैं सब कैसे है सब क्या चल रहा है सर एमआईटीएस एम वाले डीबीएमएस की पूरी बनी हुई है सर नहीं इसमें लखनपुर वाला भी डाला हुआ है आईटी टी गोपेश्वर की है पर फोल्डर का नाम वही दे रखा था इसलिए डिलीट डीबीएमएस की चाहिए थी इसमें और भी चीजें डली पड़ी है क्यों क्या हो गया था डीबीएमएस का दे तो दिया था सर मैं नहीं आया था डीबीएमएस की कर रखा है पहले दूसरे और से पर डीबीएमएस की वो चाहिए थे क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन चाहिए थे क्या थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मटेरियल इसमें बता रखा है जो पहले वाले ने नहीं बताया सर पहले वाले ने कौन मैं पहले किया था सर चंदन सर से चंदन कौन आ गया पहले थे सर अपनी इंजीनियरिंग सर्कल में मेरा नाम है पहली बार सुन रहा हूं यार सीओए भी उन्होंने करवाया अच्छा यस सर मैं शॉर्ट करवाया था सर हैं मटेरियल बहुत शॉर्ट करवाया शॉर्ट सोल्ड करके निपटा दिया भाई शॉर्ट तो भगवान का नाम होता है राम का दो अक्षरों में शुरू दो अक्षरों में खत्म और पुण्य और मिलता है मेरे तो सही था वो भी सर बस और थोड़ा सा और बड़ा चीज तो जय श्री राम यस yes, सर बात अपना तो yes, सीधा सिद्धांत भाई या बस पटिया वाले की बाबा की जय चलती है हाँ? क्या पटिया बाबा की जय चलती है हां हाँ यार ये क्या नाम है मेरे एक मित्र भी लेते हैं क्या नाम है ये दुनाथ पाठक जी वो भी कौन से, से वाले का नाम है यही चलता है हाँ? पूरे भिंड मुरैना वाले इलाके में ग्वालियर हाँ। चंबल संभाग में यही चलता है क्या है पटिया वाले बाबा हाँ पटिया वाले बाबा क्या पंडित जी महाराज है हाँ महाराज कोई बहुत पुराने हैं सर बहुत पुराने अभी भी है नहीं, नहीं उनने समाधि ले ली अब पता नहीं मुझे मैं तो अच्छा। उनके स्थान पे गया था एक दो बार बस अच्छा हाँ सर बहुत सारे जिंदा समाधि ले, ले लेते हैं हाँ नहीं ऐसी बात नहीं पुराने लोगों में शक्ति थी आपका ये भिंड और मुरैना तो भाई साहब गुंडागर्दी में भी आ गया भाई सुना मैंने पहले बहुत फेमस हुआ करते थे सर हाँ देखो बच्चों करें अपन स्टार्ट अपना आगे सारे लिख दीजिए एक बार आजरी लगा दीजिए दरबार में चेतन प्रेजेंट लिख के नहीं लगाते हाजरी क्रिस्टल क्लियर लग के लगती है अपनी हाजरी दूसरे टाइप की लगती है बेटा ये चैट इतनी बड़ी कैसे आ रही है अचानक ये चैट साइज जितना बड़ा कैसे हो गया बेटा हमारा साइड तो छोटा ही है मुझे कुछ नहीं निकला सर अच्छा जी ये मेरे इसमें कमाल भी है सर कंट्रोल कंट्रोल माइनस माइनस दबाइए प्लस ना 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 ये जो पार्टी बोलते हैं अपन देसी में इसमें एक बटन था वो दबा रह गया मेरा ये जो पार्टी है लिखने वाली अच्छा इसमें आठ बटन थे महंगा वाला इसलिए ले गया इसमें बटन दिख रहे थे आज पता पड़ा ये बटन का काम भी आता है डाबिक्स में कहाँ मारता है सर? मैंने मतलब मैंने किया है। करें स्टार्ट। देखो बच्चों। सर। सुनिएगा हर बच्चा प्लीज। आज बहुत ही बढ़िया क्लास, बहुत ही मजेदार, बहुत ही आनंद की अनुभूति होगी आपको। सुनिए। क्या कह रहे हैं कवि जबी भी क्या? जबी भी आपको साथ दिया करो यार क्या जब भी आपको म्युचुअल एक्सक्लूजन चेक करना है तो वी एग्जीक्यूट टू प्रोसेस कॉन करंटली एंड चेक क्या एनी हाउ टू कैन एंटर ऑन नॉट आइर यू कैन रन साइमटेनियसली और हेरारिकल जी चेक एनी हाउ एनी टू इज रनिंग और नॉट इन साइड दिस इफ ओनली वन इज रनिंग देन म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज सेटिस्फाई वन और जीरो म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई बट इफ निंग ना म्यूचुअल एक्सक्लूजन फेल म्यूचुअल तो अपन ने पहले ये किया था ये वाला हो गया आपको हाँ या ना और जभी भी प्रोग्रेस चेक करनी है जबी भी प्रोग्रेस चेक करनी है अपने ही कोड को दूसरी बार चला के देख लीजिए अपने ही कोड को दूसरी बार चला के देख लीजिए भाई और बहनों अगर वो दूसरी बार प्रोसेस अंदर आ पा रही है तो आपकी प्रोग्रेस हो रही है क्लियर यस सर नेक्स्ट स्ट्रिक्ट अल्ट्रेशन और सब बाउंडेड वेट नहीं देखते नहीं ओनली दो ही देखते हैं क्योंकि दो ही मेन कंडीशन है चार होती है जैसे तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोग्रेस बाउंडेड वेट एक और कहा गई आर्किटेक्चरल न्यूट्रेबिलिटी पोर्टेबिलिटी यानी वो दोनों सेकेंडरी कंडीशन होती है वो नहीं देखते अपन ठीक है फिर भी मैं दिखाऊंगा आपको एक रूल बताऊंगा उसका चेक करने का ठीक है ओके सर किसने पूछा था सकेतन केतन आपका दूसरा भाई ज्यादा बोलता है आपका आवाज बहुत कम आता है बेटा ऐसा क्यों दूसरा भाई बोले तो चेतन की आवाज आती है आपकी आवाज नहीं आती है आपको क्या समझ में आता सारा सर आतुर तो है अच्छा तो अगर डाउट हो तो पूछ लिया करो है ना बेटा घबराने की बात नहीं घर की बातें अपने दो तो मेरे को भी ऐसा लगता दो महीने हो गए कितने हो गए रौनक दो महीने से ऊपर हो गए सर ढाई महीने होने वाले सर बाईस तारीख थी इनिशियली टर्न जीरो है चलाओ देखिए आप करो करो बताइए बच्चों क्या आंसर आएगा इट इज ऑल्सो सॉफ्टवेयर टाइप सोल्यूशन बिजी वेटिंग जिसे अपन बोलते हैं बताइए इनिशियल रिटर्न कितना है जीरो तो चेक करो म्यूचुअल एक्सक्लूजन और प्रोग्रेस हो रही है नहीं हो रही है जल्दी जल्दी सब चेक करो और जल्दी जल्दी सब बताओ सिंपल सी बात प्रोग्रेस तो नहीं हो रहा सर मिसलेस क्लोजर वो भी नहीं हो रहा सर दोनों दोबारा से दोनों चेक कर बेटा फिर दो तो। हरी चटनी नहीं खाई थी कृपा वही अटकी हुई है हो रहा है सर बाकी और बच्चे प्लीज सर प्रोग्रेस नहीं हो रहा म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो रहा है बाकी और बच्चे बताइए बच्चों माधवी दोबारा चेक करें कर रहे हो या कराऊं आवाज़ हरी है yes, तो प्लीज एक बार चेक करें जल्दी से आंसर दे बेटा मुझे जल्दी से आप, आप सभी लोग जानवी, जानवी और माधवी जानवी टर्न ऑन दी वीडियो बेटा माधवी बेटा आजकल आंसर क्यों नहीं दे पा रहे आप जानवी यस yes, सर आजकल आंसर क्यों नहीं देते सर देती हूँ सर अभी कर रही हूँ मैं अभी सर अभी अभी ज्वाइन किया था मैंने सर इसलिए वो ओके लेट ज्वाइन किया अच्छा यस सर माधवी बेटा ये आंसर गलत कैसे माधवी थोड़ा चेक करो बेटा दोबारा ठीक है दोबारा चेक करो अतुल इशिता, अतुल, यस ऑन अतुलंदी वीडियो बेटा और यश अतुल, इशिता, यश यस सर अतुल भाई गलत क्यों आंसर दिया करना बेटा क्या डाउट है कुछ सर अभी अभी सर कल मैं सर एक्चुअली में क्लास नहीं ले पाया था सर तो वही थोड़ा सा चल कोई बात नहीं ठीक है इजिदा ओके यस जैन देखिए बच्चों यश यस डाउट है बेटा नो सर सर म्यूचुअल म्यूचुअल हो हो रहा है, sir, नहीं इसमें हो रहा है 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 प्रोग्रेस नहीं वेरी गुड देखिए बच्चों इसमें कैसे देखो इनिशियली टर्न टर्न कितना जीरो जीरो जब मेरा तो ये कहा जाएगा क्रिटिकल टर्न इज नॉट इक्वल टू वन कंडीशन ट्रू Yes, ये आ जाएगा सीएस में जैसे ये बाहर निकलेगा टर्न को क्या कर देगा one, one. ये आ सी एस में और ये आ जाएगा डू नथिंग में अरे yes. या ना? यस सर सर कहने का मतलब और फिर जैसे ये बाहर आएगा ये क्या कर देगा इसको दोबारा भेज देगा और ये खुद सीएस में आ जाएगा मीन टू से जब टर्न मेरा क्या है जीरो है

जीरो एक जना तो लूप में अटक जाएगा एक जना अंदर आ जाएगा, समझ रहे हो यस yes, सर, यानी कैसे भी चला लो satisfy. हाँ बोलो, यस सर, क्लियर प्रोग्रेस चेक करनी है तो मैंने क्या बोला था दुनिया को मारो गोली अगर पीआई प्रोसेस प्रोग्रेस कर सकता है तो पीजे भी कर सकता है तो आप क्या करो कुछ ही मत करो प्रोग्रेस के लिए सबसे बढ़िया बात है एक बार आप सीएस में गए खुद ही के कोड को दोबारा चला के देख लो कि आप सीएस में जा पा रहे हो क्या दुनिया को मारो गोली समझ रहे हो बात yes, sir. Yes, sir. तो देखो ये एक बार सीएस में गया बाहर आते टन को क्या कर दिया वन दोबारा जाना चाहता है क्या जा पा रहा है क्या नो प्रोग्रेस ईच एंड एवरी वन राइट डाउन इन चैट बॉक्स क्लियर और नॉट प्लीज क्रिस्टल क्लियर और नॉट आया नहीं आया no, फील no. no. no वो हाथों वाली टेक्निक ने साथ दिया इसमें तो सभी में देगी बेटा वो तो क्लियर है सभी बच्चों को यस सर यस आगे बढ़े हो गया बेटा एक और एल्गोरिदम एक और कोड लिखाता हूँ चेक करिएगा बेटा है ना माधवी वाई इट इज नॉट प्रोग्रेसिंग आपकी प्रोग्रेस कब होगी मान लीजिए आपके पास तीन रिपोर्ट है तीन लैब रिपोर्ट है आपकी प्रोग्रेस कब होगी बेटा मुझे आप तो ये बताओ पहले दो इसको तो भूल जाओ उसकी प्रोग्रेस क्या होती है तीन लैब रिपोर्ट है तो आपकी प्रोग्रेस कब होगी बेटा जब आप एक बार प्रिंटर एक लैब का प्रिंट आउट लिया है उसके बाद दूसरी लैब का प्रिंट आउट लेने जा रहे हो तो आप जा सको तो इसका मतलब है बढ़ रहे हो तुम हाँ या ना तो बेटा yes, आप एक बार जब सीएस से बाहर आ रहे हो प्रोग्रेस चेक करने का सिंपल सा तरीका है भाई नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे एक बार सीएस से बाहर आए अगर आप दूसरी बार सीएस में जा पा रहे हो इसका मतलब Progress. Progress. करे? Yes, sir. अच्छा चेतन या केतन जो भी था यस yes, सर हाँ बेटा आप ये लास्ट टाइम पढ़ चुके हो सब्जेक्ट लास्ट टाइम कब में यानी जब चला था वो हाँ सर सीनियर के साथ में गया था का, अच्छा कॉलेज में होता होगा जब तो कोरोना था ही नहीं यस सर अच्छा तो तो फिर तो सी एस टी सर ने भी पढ़ाया होगा चंद्रशेखर तिवारी सर नहीं, सर चलो कोई बात यस yes, कीजिए बेटा इनिशियली बोथ फ्लैग आर फॉल्स बताइए बेटा सर तो बाउंडेड वेटिंग मतलब तो नहीं हो रहा है सर इसमें तो वो चेक भी नहीं करना ना बाउंडेड वेटिंग तो मैं पहले बोल चुका हूँ यार आपको बाकी यार बच्चों आंसर दो ना बेटा जितना इसको करोगे उतना सीखोगे यार नहीं तो मैं तो दो मिनट में लगेगी करा दूंगा क्या रहा है दोनों हो रहे हैं सीता And what about others? Very good, yes, Jen. Yes, Jen. वेरी गुड बेटा यस मेटा वेरी गुड यस आ गया बेटा यस सर देखिए इनिशियली बोथ फ्लैग आर फॉल्स फ्लैग जीरो ट्रू ओके फ्लैग कंडीशन क्या होगी अभी तक फॉल्स तो ये आ जाएगा अपना सीधे सीएस में फ्लैग वन ट्रू फ्लैग वन ट्रू फ्लैग जीरो ऑलरेडी ट्रू है ये आ जाएगा सीएस में जैसे ये बाहर आएगा क्या कर देगा फ्लैग जीरो को फॉल्स तो इससे ये सी एस में आ सकता है और फ्लैग वन अभी तक ट्रू है तो ये यहाँ आ सकता है क्लियर है यस यस सर कहने का मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई और जब आपको प्रोग्रेस चेक करना है जब आपको प्रोग्रेस चेक करना है जब आपको प्रोग्रेस चेक करना है तो क्या करोगे आप खुद ही के कोड को

अब सुनो आप सर तो आप सीरियल चला रहे हो देखो इसको चला दिया अंदर भेज दिया फिर इसको चेक कर रहे हो या पहले इसको चला दिया दिया अंदर भेज दिया, फिर इसको चेक कर रहे हो अरे मैं कह रहा कनकरण भी चला लो आप क्या कनकरण भी चला लो कनकरण का मतलब यही होता है दोनों की पहली पहली लाइन चला लो दोनों ही नहीं घुसेंगे तो क्या आ जाएगा बट म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई हो रहा है समझ रहे हो सर अरे ये पता है कैसे बोला जाता है बिजी वेटिंग सोल्यूशन क्यों बोलते हैं यहाँ ये लगा हुआ होता है ये मैंने डू नथिंग लिख दिया ना यहाँ क्या लगा होता है किताबों में आप देखोगे जब ऐसे लिखा हुआ होगा फ्लैग वन या जो भी है कंडीशन ट्रू ये इनफाइनाइट लूप समझ रहे हो पर मैंने इसको डू नथिंग से रिप्रेजेंट कर रखा है इस वाली चीज को इस वाली चीज को यस सर क्लियर है सभी बच्चों को तो देखो दोनों को जब कर कर चलाया तो दोनों ही नहीं आ पा रहे और वैसे चलाने पे एक आ पा रहा है कहने का मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो हो रहा ही हो रहा है या तो एक आ रहा है या कोई नहीं आ रहा है बात समझ में आ गई है सभी बच्चों को लिख दीजिए चैट बॉक्स में फील आया नहीं आया यस जैन थैंक यू वेरी इंप्रेसिव बेटा मजा आ गया थैंक yes, यू आगे बढ़े yes, लिया इसको sir, प्रोग्रेस में दोनों नहीं चलाएंगे ना? नहीं बेटा प्रोग्रेस जब भी चेक करनी हो ना यार सिंपल सा बात है सुनो मेरी बात किसने पूछा केतन केतन बुरा मत मानना

जीरो भी रहा तो भी समझ रहे हो बात दिक्कत कब है जब दो, या दो से अधिक आ गए क्लियर हाँ बोलो yes, और प्रोग्रेस चेक करनी हुई दुनिया को मारो गोली यह सब वही कर रहा हूं इसीता प्रोग्रेस चेक करनी है तो इसीता प्रोग्रेस समझा दीजिए सर दोबारा सुने जब भी प्रोग्रेस चेक करनी है एक कोड को देखो इसको भूल जाओ बस एक ही कोड को देखो दूसरी बार चला के क्या वो अंदर जा पा रहा है क्या आप बोलोगे सर ये तो ऐसे सारे चल जाएंगे मैं बोलू क्या बात कर रहे हो बेटा इसमें चला के देखो देखो इसमें चला के देखो नहीं जा पा रहा समझ रहे हो सर yes, इसमें जा पा रहा है क्लियर है एवरी वन वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड हाँ बोलो yes, उतार लिया है सर आगे बढ़ू बेटा सर नेक्स्ट पीटरसन सॉल्यूशन उतारिए बच्चों फ्लैग जगह छोड़ देना इधर भी कोड उतरेगा ये तो प्रोसेस पी आई है ठीक है फ्लैग आई ट्रू टन इक्वल टू जे वाइल फ्लैग जे एंड इक्वल टू जे उतारिये उतार लिया बेटा क्लियर यस सर इनिशियली बोथ फ्लैग आर फॉल्स ओके यहाँ फ्लैग क्या इंडिकेट करता है ये बहुत प्यारा कोड है लिटरली बता रहा हूं मैं बहुत प्यारा कोड है यार मजा आएगा यार फ्लैग इंडिकेट विच प्रोसेस इज इंटरेस्टेड फॉर गो इन टू दी एस समझ रहे हो एंड टर्न इंडिकेट हुन टू गो फॉर सी एस समझ में आया इनिशियली बोथ फ्लैग आर फॉल्स नाउ यू डू इट डू इट माई डियर स्टूडेंट डू इट ये बहुत अच्छा कोड़ है आप इसको चलाए हर बच्चा देखो आलस मत करना यार प्लीज चलाओ मैं भी चला दूंगा मेरे को तो दो मिनट लगेगी अभी लेकिन मैं नहीं चाहता ये चीज मैं चाहता हूँ आप सीखे बेटा प्लीज सभी बच्चों से रिक्वेस्ट जितना इसको चलाओगे ना उतना परफेक्शन आएगा नहीं तो ये बोलोगे सर सीमा के न्यूमेरिकल नहीं हो रहे हमारे से अगर ऐसा नहीं चलाओगे तो आज क्या बार है तो गुरुवार बताइए बच्चों Well, <laughs> I... पचपन सर हारम नहीं बेटा गलत बच्चों आंसर देखो कुछ भी नहीं है तो आप कोड को चलाइए अगर दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो ये आ गया इन्फाइन लूप में इधर देख रहे हो आप तो कीजिए यार बच्चों इजी है यार आपने तो बिल्कुल ही हथियार रख दिया है म्यूचुअल नहीं सेटिस्फाई हो रहा है ओनली दोबारा चेक करें आ गया सभी को प्रोग्रेस डेडलॉक 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 नहीं आ रहा सर वेरी गुड इसमें डेडलॉक नहीं आएगा ये चीज का हमेशा ध्यान रखना इसमें डेडलॉक नहीं आएगा चाहे आप कैसे भी चला लो इसको आप समझ रहे हो बात अब देखो yes, काफी बच्चों ने दिया आंसर मैं एक एक का इंतजार कर रहा था कि सभी बच्चे थे लेकिन कुछ ने तो अभी भी नहीं दिया है देखो बच्चों टेंशन नहीं लेने का इधर देखे मुझे नहीं पता भाई कैसे चलाते हैं मुझे वास्तव में नहीं पता आपको एक चीज पता होनी चाहिए बस कैसे चलते हैं क्या पहले तो अपन चला सकते हैं सीरियल और उसके बाद अपन चला सकते हैं कनकरंट का मतलब एक एक लाइन दोनों की चला देंगे अपन हाँ या ना दो ही ऑप्शन है देखिए इच एंड एवरी देखिए बच्चों यहां बोथ फ्लैग आर फॉल्स ना इसने पहले फ्लैग जे को ट्रू किया पहले लाइन नंबर वन चला रहा हूं मैं फ्लैग जे को ट्रू कर दिया okay. क्लियर अब देखो टर्न किसका जे का तो क्या होगा टर्न फ्लैग जे अभी तक क्या है बोलो अरे मेरे छोटे भाइयों और बहनों फ्लैग आई एंड फ्लैग जे बोथ आर फॉल्स ना अभी यस सर तो बोलो ना यार बोलने की रखी है मैंने क्या बोल रहा हूं तो इसने इसको ट्रू कर दिया अभी तक तो फ्लैग आई ट्रू है टर्न किसका है जे का हाँ बोलो यस yes, सर Yes, अब sure. देखो ये कंडीशन चेक करेगा कि वाइल्ड फ्लैग जे ट्रू एंड टर्न बी जे ये तो ट्रू हो गया बात और ये अभी तक फॉल्स है तो ट्रू एंड फॉल्स क्या होगा False, False. ये सीधे सी एस में आ जाएगा जब ये सी एस में आया तो इसको चेक करूंगा मैं पहले सिक्वेंसल चला के दिखा रहा हूँ इसको चेक करूंगा क्या फ्लैग जे फिर इसका लूप होल भी बताऊंगा कि ये सारे कारनामे क्यों कर पा रहा है सब सिखाऊंगा पूरा पोस्टमार्टम पहले आप सीखो लेकिन पेन कॉपी रख के एक्टिव होके फ्लैग जे ट्रू ओके अब ये भी ट्रू हो गया और टर्न इक्वल टू आई अब देखो फ्लैग आई दैट इज ट्रू एंड टर्न इज ऑल्सो आई तो ट्रू एंड ट्रू ट्रू ये यहाँ अटक गया लूप में हाँ या ना जैसे ये बाहर आएगा तो फ्लैग आई को क्या कर देगा फॉल्स तो ये फॉल्स हो जाएगा बाद में समझ रहे हो फॉल्स होते ये आ जाएगा सी एस में और ये आ जाएगा आपका लूप में क्यों अब ये जब आएगा दोबारा तो देखो डू वाइल है, है इधर देखो ट्रू है डियर तो ये जब आएगा तो क्या कर देगा बेटा फ्लैग जे आपको ट्रू मिलेगा हाँ yes, कितना कर देगा जे का तो ये लूप yes. में अटक जाएगा ये तो हुआ सिक्वेंशियल चलाना क्या सिक्वेंशियल समझ में आई सबको yes, पक्का अब yes, देखो दोनों को कनकरण चला रहा हूं मैं दोनों को कनकरण चला रहा हूं मुझे नहीं पता कैसे चलाते हैं दोनों की पहली पहली लाइन चलाई मैंने क्या हो गया फ्लैग आई बी ट्रू और जे बी ट्रू हाँ बोलो यस yes, सर अब टन पहले किसको चलाऊं आई को या जे को आप बोलो उसी को चला दूंगा मैं आई आई को तो देखो आई को चलाया तो टन को क्या कर दिया इने? जे और इसको चलाते इसने टर्न को क्या कर दिया आई तो अब क्या होगा ये कंडीशन तो हो जाएगी फॉल्स और ये हो जाएगी ट्रू ये समझे देखो शक्तिमान क्या ने क्या किया या तो आई होगा या जे होगा या तो आई होगा या जे होगा जो लेटेस्ट होगा वो उसको माना जाएगा जो अपडेटेड है समझ रहे हो बात अब देखो हर बच्चा पी वाले कोड को देखो पी आई वाले कोड को देखो वाइल्ड रूप में क्या लिखा है कि पहले ही देखो फ्लैग क्या चाहता है फ्लैग का मतलब क्या इधर फ्लैग का मतलब क्या है फ्लैग क्या इंडिकेट करता है बताइए फ्लैग क्या इंडिकेट करता है? है? कौन सी, में जाना है कौन सी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहती है और टर्न ये बताता है किसका टर्न है आप जाना चाहते हो लेकिन टर्न उसका है तो आप नहीं जा पाओगे समझ में आई आप कब जा पाओगे आप कब जा पाओगे जब आप इंटरेस्टेड भी हो और आपका टर्न भी अरे yes, मैं, मैं कब रुकूंगा जब आप इंटरेस्टेड भी हो और आप ही का टर्न हो यानी आई लूप में कब रुक रहा है मेरे छोटे भाई और बहनों देखो ना यार ये आई लूप में कब रुक रहा है बताओ जे चल रहा अच्छी तरह बोला यार कब रुक रहा है जब ज़े ज़े, जाना जाना है और... जे जाना और जाना भी चाहता हो और उसका टर्न भी हो जब सर्थ. रुक रहा है अदरवाइज आई को भेज देंगे और जे कब रुक रहा है जब टर्न भी आई का हो और आई को रुकना भी और आई जाना चाहता हो जाना भी चाहता हो।, हो जब जे रुक जाएगा अरे हाँ बोलो समझ में आ गई बात म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई अब प्रोग्रेस आप चेक करो कैसे चेक करोगे भाई एक कोड को भूल जाओ इसको चेक कर लो दोबारा चला के आ गई बात समझ में जल्दी करो देखे लेट हो रहे है प्रोग्रेस हो रही है ना यस yes, सर, yes, और डेडलॉग आ रहा है क्या देखो डेड लॉक किसी भी केस में नहीं आएगा माय डियर समझ रहे हो डेडलॉग किसी भी केस में नहीं आएगा एक्सक्लूजन हो रहा है एंड प्रोग्रेस भी हो रही है क्लियर एवरी वन सर सभी बच्चों को समझ में आ गया अरे क्यों देखो जैसे ही आई को फॉल्स कर देगा दोबारा आएगा आई ट्रू हो जाएगा और टन किसका है? जे का तो देखो टर्न इक्वल टू जे लेकिन जे जब तक फाल्स तो दोबारा एससीएस में आ जाएगा yes, और जब भी आप इन दोनों को कनकरेंट चलाओगे दोनों को कनकरेंट चलाओगे देखो ऊपर दोनों को कनकरेंट चलाने पे दोनों ब्लॉक हो गए थे क्यों हो गया था डेडलॉक का मतलब होता है ब्लॉक और ब्लॉक डेडलॉक ना तो आपका काम होना ना मेरा काम होना यहां ऊपर क्यों हो गया था क्योंकि यहां एक ही थी थी फ्लैग तो 0 और 1 दोनों ट्रू हो गए दोनों इन्फाइनेट लूप में चले गए यहाँ उसके साथ साथ फ्लैग के साथ साथ मैंने एक वेरिएबल भी ले लिया जो एक ही है यानी या तो जे होगा या आई होगा जैसे इसमें तो दो ले लिया आई और जे अरे ले लिया ना फ्लैग का तो लेकिन yes, इसमें sir. तो एक ही होगा या तो आई या जे तो आई होगा तो टर्न आई का हो गया और जे होगा तो टर्न जे का हो गया एक ही जना का होगा क्लियर है सर yes, सबको समझ में आ गया है सर yes, पक्का झूठ yes, तो नहीं बोल रहे नो no, सर तो लिख दो फिर चैट बॉक्स में क्लियर या क्रिस्टल क्लियर नाउ क्लियर नहीं बेटा अब होगा क्लियर तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त बड़ा कीजिएगा अराव डू इट 你好。 डेड डेडलॉग नहीं आएगा बेटा चेतन गलत कर रहे हो बेटा चेतन आप दोबारा देखें माधवी गलत अमन करेक्ट आरव करेक्ट जानवी करेक्ट इशिता रॉन्ग सोनिया दम्सिंग करेक्ट यश करेक्ट कोई बात नहीं बेटा आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो आरो रमाकांत माधवी करेक्ट शानू रो बेटा ऐसे थोड़ी कर पाएंगे कराऊं ईच एंड एवरी वन यस सर करें देखो ए इज द राइट आंसर वेरी गुड यस वेरी गुड ए इज द राइट आंसर बेटा अब कैसे आया वो देखे आप बुलियन वेरिएबल है बुलियन क्या होता है ट्रू फॉल्स ना सर, यस। yes, तो कितने केस हो गए uh, oh. जो बोल रहे हैं चार उन्हें पाप लगेगा टोटल दो केस हुए या तो नॉट इक्वल या फिर इक्वल 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 या नॉट इक्वल क्लियर अब देखो वाई लेस वन इक्वल इक्वल टू एस टू एस वन इक्वल इक्वल टू एस टू मीन्स क्या हो रहा है अभी आप कौन सा लेना चाहते हो बोलो कौन सा लेना चाहते हो equal वाला equal वाला ले लेते हैं ठीक है यानी ये ये अटक गया गया इधर में 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 आ समझ रहे हो एक लूप में और एक इधर आ गया अब जैसे ये बाहर आएगा तो ये क्या कर देगा नॉट इक्वल नॉट इक्वल होते ये कंडीशन हो जाएगी ब्रेक क्योंकि इन्फाइनिट वेटिंग है ये टूट जाएगा ये आ जाएगा सी एस में और ये आ जाएगा आपका लूप में क्यों नाउ एस वन इज नॉट इक्वल टू एस टू समझ में आया yes. और एक बार मान लीजिए पी वन एंटर किया नॉट इक्वल वाले में ठीक है तो अब दोबारा बाहर आने पे क्या कर रहा है इक्वल तो क्या ये दोबारा आ पा रहा है नहीं आ पा रहा है. समझ में आ रहा है डेड नहीं आएगा बेटा दोनों को एक साथ ट्रू असाइन करने में भी चेतन

आद छुप गया था कोई बात नहीं क्लियर है बच्चों। फोर्थ वन ये देखो क्या रैंडमली असाइन है तो एट ए टाइम देखो मैंने बता भी रखा है वन पे ये अटक गया ये टू पे गया थ्री पे जब जैसे बाहर निकलेगा तो क्या कर देगा इक्वल तो ये आ जाएगा ब्रेक में ये आ जाएगा सीएस में एट ए टाइम ओनली वन प्रोसेस कैन गो ठीक है यानी दो प्रोसेस एक साथ नहीं जा पा रही यानी म्यूचुअल एक्सक्लूजन है और प्रोग्रेस सेटिस्फाई नहीं है क्यों इनफाइनाइट वेटिंग में जा रहा है और दूसरी बार नहीं जा पा रहा है खुद प्लीज सॉल्व दिस वन आप कौन कहता है गेट में क्वेश्चन कॉपी पेस्ट नहीं होते पहला कैंडिडेट में यू जो कहता हूं लेकिन कॉन्सेप्ट हमेशा कॉपी पेस्ट होते हैं ये प्रूफ भी कर दूंगा कीजिए गेट 2017 हजार टू मार्क्स सिमिलर क्वेश्चन 2015 में आया but little bit changes. батайын सा थोड़ा सा नीचे कीजिए बच्चों वेरी गुड चेतन नमन वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड भूपेंद्र प्लीज चेक इट वंस अगेन थैंक यू थैंक यू आरव थैंक यू जानवी वेरी गुड बेटा सर ये प्रीवियस वाले का था सर वो हाँ सर सही है ना मतलब जो मैंने हाँ 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 वो तो थैंक यू वाला मेरे को लग रहा है मैंने ऐसा क्या कर दिया सर रिप्लाई नहीं कर रहे ना ना ना, 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 ना. बताइए बच्चों जल्दी से आंसर दीजिए हर बच्चा प्लीज क्लियर डी इज द राइट आंसर बेटा

टू फॉल्स है सी एस में आ गया टू ट्रू वंस वन ट्रू हो चुका है यहां आ गया जैसे फॉल होगा ये आपका आ सकता है और ये आपका क्यों आ जाएगा वाइल्ड ट्रू है वाइल्ड ट्रू है बेटा तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो हो रहा है अब प्रोग्रेस चेक करने के लिए मैंने क्या बोला था आपको कि सारी दुनियादारी भूल जाओ अपने ही कोड को दूसरी बार चला के देखो तो देखो इनिशियली दोनों फॉल्स है वंस वन ट्रू वंस ट्रू क्या है फॉल्स CS में आया वंस वन को फॉल्स किया दोबारा आना चाहता है तो दोबारा आ गया अरे जैसे वहां फ्लैग नहीं लिया था अपने फ्लैग जीरो वैसा yes, yes, ही, ही है ये सर सेकंड ऑप्शन के बारे में बाउंडेड वेटिंग नहीं है क्योंकि बाउंडेड वेटिंग में क्या यहाँ देखो दो प्रोसेस है दोनों में से किसका टर्न तो आ ही रहा है yes, बाउंडेड वेटिंग का मतलब होता है एन नंबर ऑफ प्रोसेस है किसी एक का आ रहा है दो का आ रहा है पांच का आ रहा है दो प्रोसेस का आ ही नहीं रहा है कभी ओनली ट्री प्रोसेस है तो चलेगा सेम टू सेम क्वेश्चन आस्क इन गेट 2015 आल्सो प्लीज सॉल्व इट लिटिल बिट चेंजेस ईच एंड एवरीवन यू सॉल्व इट नहीं अमन सर ऑप्शंस क्या है और ये चारों दिख रहे हैं ना बेटा yes ketan yes aman कीजिए बच्चों बेटा सी इज नॉट ए राइट आंसर बताइए आंसर कितना आएगा ए बिकॉज yes. नहीं आ रहा है देखो कैसे वेर पी ट्रू ट्रेर क्यू ट्रू नहीं है अभी तो ये सी में नहीं आएगा वेर क्यू ट्रू वेर पी ट्रू हो गया था जैसे yes, ये सी में आ गया दोनों एक एक साथ ट्रू हो जाएंगे तो दोनों ही सीएस में आ जाएंगे यानी म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो फेल हो रहा है और एनी टाइम एक प्रोसेस तो आ ही रहा है यानी नो डेडलॉक देखो अब गेट वाले की चालाकी समझो सर ट्रू के अंदर ही डाल दिया जो गेट 2015 में लूप के बाहर था ये देखो ना बस नाम चेंज कर दिए गए यार लूप के बाहर था नहीं ये सारा मामला हाँ या ना यस yes, सर दो चेंज किए एक तो जो लूप के बाहर था उसको लूप के अंदर कर दिया और वेरिएबल के नाम वन वां, टू के जगह वेर और वेर क्यू कर दिए गए क्लियर है यस yes, सर। सबको समझ में आ गया है सातवा बताए वेयर दी शेड वेरिएबल या शेड रिसोर्स आर एक्सेस क्लियर एवरी वन यस सर सर ये तुम कर पाओगे क्या करो देखो इसको चलाने का तरीका मैं बता दू दिस इज फर्स्ट सेकेंड ए बी कितने तरीके से चला सकते हो मैंने आपको चलाना सिखाया है मैंने आपको नंबर ऑफ कंकर शेड्यूल फाइंड करते टाइम भी ये सिखाया है yes, sir. करो करो करो

नो बच्चों नो बच्चो। एक एक तो तीन तो नहीं आएगा पता नहीं मेरे को बेटा मैं एक आम आदमी केजरीवाल नहीं लेकिन आम आदमी सोनिया मैं तो गलत है बेटा यश जैन गलत है जानवी सिंगल गलत है केतन गुप्ता गलत है कीजिए बच्चा प्लीज़ कीजिए कीजिए दो मिनट और दिए Yes, sir. यस yes, बच्चों ऑडिट आंसर बोथ फाइव हैं बोथ सेटिस्फाई पता है मेरे को तुम्हारी एक बात अच्छी लगती है पूछो क्या क्या सर कोऑपरेटिव हो पता क्या हुआ अभी एक इंस्टीट्यूट वाले हैं बंबई के मेरे को ये जो छोटे भाई जैसे मानते हैं हालांकि हमारा संपर्क 2014 में हुआ आज उनका जन्मदिन था तो अब वो आईटी जेडब्ल्यू पढ़ाते हैं उन्होंने गेट भी चालू किया था और अभी तो लॉकडाउन है तो वो काफी बिजी रहते हैं तो आज उनका बर्थडे था मैं सुबह से दो बार कॉल लगाया था जब मैं दिन में फ्री था अभी उनका कॉल आया अगर अभी नहीं उठाता ना मैं तो फिर आज बात ही नहीं हो पाती और वो बात भी उनकी एक साल बाद हो रही है मैसेज वैसेज भी नहीं हो पाता कई बार तो कई बार मैं बिजी कई बार वो बिजी ये टाइप से है तो जब भी मैंने सोचा है पहले तो तुम क्वेश्चन कर लो फिर ये उतारते रहो इतनी देर में अपन समझ ही लेंगे लेकिन उस टाइम पे मैंने आपको पता है क्योंकि आप लोग से अपना ऑडियो भी चलता है तो एक फोन पे तो यू कर रखा था मैंने यू कि भाई कोई बोल तो नहीं रहा और जब भी मैंने यहाँ लिख दिया था कि भाई प्लीज नोट डाउन है ना और डू इट यस yes, तो थोड़ा सा हो जाता है यार सामाजिक प्राणी सब चीजें दिखानी पड़ती है निभानी पड़ती है देखिए मेरे बहुत ही देखो यार बच्चों एक चीज ध्यान रखना है यार क्या बताओ पूछो क्या क्या yes, सर यार एक तो दोस्तों को नहीं भूलना चाहिए दोस्तों को तो नहीं भूलना चाहिए सबसे बड़ी बात दूसरी बात पता है एक एक आदमी से पूछा था कि अच्छे आदमी की पहचान क्या है बताओ क्या है क्या है सर अच्छा मैं बताऊं कि आपका दोस्त कितना पुराना है और आपका नौकर कितना पुराना है समझ रहे हो बात

तो बम्बई में ट्राइडेंट में रुका हुआ था तो मैं यहाँ से वो एक महीने के लिए गया था तो मैं एक महीने जब भी सैटरडे संडे में बम्बई जाता था तो हर सैटरडे की सुबह मेरा सुबह का फ्लाइट होता था हर सैटरडे उसके लिए जयपुर से खाना लेके जाता था ये हालत है अब वो अपने दोस्त को बताता था मैं अपने दोस्त को बताता था तो सोचते थे और आप भी सोच रहे होंगे कि नवाब है दोनों ही है वो जयपुर से खाना खा रहा है बम्बई जाके और मैं जयपुर से लेके जा रहा हूँ सलमान खान के फादर ने बोला था हाँ याद आया सलमान खान के फादर ने बोला था कॉमेडी नाइट विद कपिल में शायद यस याद आ गया उससे पूछा था कपिल ने तो कहने का मतलब है ये तो पहली बात हुई दूसरी बात आज कितने भी बड़े बन जाओ यार ध्यान रखना भाई तुम भगवान के आगे ढोक दो मत दो इधर ढोक देना ढोक का मतलब समझ गए ना हाँ बस ये चीज ध्यान रखना यानी रेस्पेक्ट सब चीज भूल जाओ ये कर लिया ना ना कोई तीर्थ करने की जरूरत है ना कोई चार धाम करने की जरूरत है यही हो गए और इवन ये मैंने नहीं भगवानों ने भी बोला है तो प्लीज ये चीज ध्यान रखना यार चाहे कितने भी बड़े बन जाओ आजकल इन्हीं के इंस्टीट्यूट में क्या होता था कई बार बच्चे आते थे इनका ट्वेल्थ का है तो नाइन टेंथ वाले भी बच्चे आते थे वो बच्चे पेरेंट्स की मानते नहीं थे पेरेंट्स रोते थे आके और मेरा लेक्चर खत्म होने के बाद नाइट में हम बैठे रहते थे साथ में इनके साथ इनका लेट नाइट तक लेक्चर चलता था तो वो सोचते थे कि सर आज अपन करके दिखाने ऐसे अपने माँ बाप के साथ बताओ अपन घर पे ठुक के आते हैं तो भी छुपाते हैं चिल्लाना तो दूर की बात और वहां बच्चे नहीं मानते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए आप लोग अपने फादर मदर की रेस्पेक्ट करें सभी बच्चे है ना मैं कोई ज्ञानबाजी नहीं कर रहा मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ मेरे को दिल पे देखो पढ़ा तो यार तुम्हारे को कोई भी देगा ये और सलाह को पढ़ा है ये तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा लेकिन मेरी एक और ड्यूटी है भाई बीइंग ए टीचर क्यों टीचर बना 2008 में प्लेसमेंट हो गया था मेरा तो क्यों टीचर बना मजा आ रहा है नहीं लोगों को जागृत भी करना भाई और जागृत कोई मेरे को मेरी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनानी है कि भाई एक अच्छा इंसान बनो एक अच्छा इंसान भी बनो आप लोग पैसा तो सब कमा लेते भाई एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है समझ रहे हो बात तो सबसे पहली बात कुछ नहीं अपने घर से स्टार्ट करो कि भाई अपने माँ बाप का ध्यान रखो है ना और सबके साथ अच्छा बिहेव करो और कुछ ही नहीं मेहनत करो भगवान सब अच्छा करेगा जो अच्छा करता है ना उसके साथ अभी कभी बुरा नहीं होता है थोड़ा हो सकता है थोड़ा शॉर्ट टर्म में हो जाए लेकिन लॉन्ग टर्म में कभी बुरा नहीं होगा देखता ऊपर वाला यार पहले वो डायलॉग कहते थे, थे ना अपन ऊपर जाके मिलता है सब कुछ कर्मों की सजा आज तुम यहाँ करो शाम को तुम्हारे को मिल जाएगा उल्ट करके देखो सुबह उल्टा शाम को ही तुम्हार को वापस रिवॉर्ड मिलेगा उसका और आपको पता भी पड़ जाएगा यार ये उस कर्मों का नतीजा है समझ रहे हो आजकल की तो दुनिया ये है भाई तो प्लीज सब तरीके तरक्की करें देखें टीएसएल सेकेंड वन इज हार्डवेयर टाइप सोल्यूशन हार्डवेयर टाइप सोल्यूशन कौन सा टीएसएल टेस्ट सेट लॉक क्या कहता है ये कॉपी दी करंट वैल्यू ऑफ फ्लैग इन टू द रजिस्टर एंड स्टोर वैल्यू ऑफ वन इंटू ए फ्लैग इन ए सिंगल एटॉमिक साइकिल विदाउट एनी प्रियम्शन विदाउट एनी प्रियम्शन क्लियर जैसे टी एस एल आर आई एम फ्लैग कंपेयर किया जंप ऑन नोट जीरो क्रिटिकल सेक्शन एम फ्लैग फ्लैग जीरो क्लियर देखिए इनिशियली फ्लैग कितना है जीरो तो क्या होगा कॉपी दी करंट वैल्यू ऑफ़ फ्लैग इनटू टू द रजिस्टर ये इसको यहां समझाता हूं मैं यार ये तो ताल लिया होगा ना यस सर यस सर भाई मेरी बात का किसी को बुरा तो नहीं लगा ना नो no, सर वैसे मैं वैसे मैंने डाटा थोड़ी था डाटा तो था भी नहीं घर लाइफ तो में बहुत काम आती है आपको पता है हम इसी बम्बई के इसी इंस्टीट्यूट की क्योंकि मैं अलग बम्बई में भी काफी जगह लिया हूँ एक बच्ची आई डोंट नो नेम उसका बर्थडे था तो फेसबुक पे नोटिफिकेशन आता मैंने बर्थडे विश किया था तो बोला कि सर आई मिस योर लेक्चर्स टॉपिक एज वेल एज मोरल लेसन मोरल लेसन तो मैं बोला यार ऐसे कौन से मोरल लेसन दे दिए मैंने देखे सबसे पहले पी चला आर वन में क्या आएगा जीरो कॉपी दी करंट वैल्यू ऑफ फ्लैग इन दी रजिस्टर एंड स्टोर वैल्यू ऑफ वन इन दी फ्लैग सिंगल एटोमिक साइकिल विदाउट एनी प्रियमशन विदाउटनीकेंड चलास लाइन नंबर चार पे जाके आप लोग को वन करते थे लाइन नंबर चार पे जाके आप लोग को वन करते थे हाँ या ना अब देखो यहाँ पी टू चलेगा लाइन नंबर वन आ टू में क्या मिलेगा भाई वन क्यों कॉपी दी करंट वैल्यू ऑफ फ्लैग इनटू टू दी रजिस्टर एंड स्टोर वैल्यू ऑफ वन इन ए फ्लैग और देखो आपको क्या क्या बोल रखा है इन ए सिंगल एटोमिक साइकिल एटोमिक का मतलब पता ही है. या अगर वैसे समझ में नहीं आता तो विदाउट एनी प्रियमशन विदाउट एनी प्रियम्शन क्लियर बेटा नाउ लिसन पी वन लाइन नंबर सेकेंड चला पी वन लाइन नंबर थर्ड चला वन लाइन नंबर फोर चला पी वन एन सी एस हाँ या ना सर पी टू लाइन नंबर सेकंड चलेगा कंपेयर करेगा -0 के बराबर है क्या लाइन नंबर थर्ड चलेगा क्या आ जाएगा जंप टू स्टेप वन जंप टू स्टेप वन स्टेप वन माइडियर क्लियर है यानी म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या हो रहा है Satisfy. चेक फॉर प्रोग्रेस माई डियर प्लीज चेक फॉर प्रोग्रेस इच एंड एवरी वन चेक इट फॉर प्रोग्रेस एंड ये सुबह कौन महानुभाव थे जो नहीं आए थे या लेट हो गए थे या निकल गए थे बच्चो मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता रेगुलर रो भलाइए बेटा इसी में ही Tell me. प्लीज टेल मी प्रोग्रेस होगा यस वेरी गुड प्रोग्रेस होगा बेटा क्यों होगा सुनिएगा बच्चों हर बच्चा सुनिएगा प्लीज लाइन नंबर वन चला सेकंड चलेगा थर्ड चलेगा तो क्या होगा नोट जंप लाइन नंबर फोर चलेगा पी वन इन सी एस लाइन नंबर फिफ्थ चलेगा फ्लैग कितना हो जाएगा नौ जीरो नौ वट इज द फ्लैग जीरो दोबारा स्टार्ट होगा दोबारा स्टार्ट करेंगे क्या मिलेगा यहाँ तो आर वन में जीरो मिला था ना एंड फ्लैग कितना हो गया था वन अब यहाँ इसने क्या कर दिया दोबारा जीरो से अपडेट कर दिया तो अब लाइन नंबर वन चलेगा आर वन में दोबारा जीरो मिलेगा और फ्लैग क्या हो जाएगा वन लाइन नंबर सेकेंड थर्ड लाइन नंबर फोर्थ पी वन अगेन इन सी एस यानी प्रोग्रेस सेटिस्फाई माई डियर प्रोग्रेस सेटिस्फाई सभी बच्चों को ये चीज क्लियर है या नहीं है यस yes, सर कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो ईच एंड एवरी वन क्लियर है सभी बच्चों को Yes, sir. आगे बढ़े सुने अब मैं आपको बता रहा हूं क्या एक बार ओवरव्यू दे रहा हूं सभी चीजों का जो तुम्हारे मन में है क्या जो सॉल्यूशन पढ़े अपन ने कौन कौन से पढ़े प्यारे नाम भी नहीं बोले जा रहे तुम्हारे से लॉक वेरिएबल

म्यूचुअल एक्सक्लूजन लोक वेरिएबल में नहीं होता है प्रोग्रेस होती है और हाँ या ना स्ट्रिक्ट अल्ट्रेशन में म्यूचुअल होता है प्रोग्रेस नहीं होती है बाउंडेड बाउंडेड वेट वेट होता है चेक करने थांबा, थांबा, थांबा थांबा. के लिए थाम्बा 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 भाई थाम्बा कह रहा हूं ना रुको भाई yes, ये लीजिए अब सुनो कहने का मतलब क्या है कहने का मतलब क्या है क्या कहना चाहता है कवि देखो जहां भी प्रोग्रेस बाउंड जहां प्रोग्रेस हो रही है सुनिएगा जहां प्रोग्रेस हो रही है बाउंडेड वेट अपन चेक नहीं कर सकते वैसे आप समझ रहे हो बाउंडेड वेट को अपन को वैसे चेक करना है और ये सेकेंडरी कंडीशन है प्राइमरी है भी नहीं प्राइमरी आपकी दो ही है म्यूचुअल एक्सक्लूजन एंड प्रोग्रेस बाउंडेड वेट का मतलब क्या है जहां आपकी प्रोग्रेस है जहां आपकी प्रोग्रेस है वहां बाउंडेड वेट नहीं होगा ठीक है तो इधर देखो आप क्यों नहीं होगा उसका रीजन में बताऊंगा यहाँ प्रोग्रेस है बाउंडेड वेट नहीं है यहाँ प्रोग्रेस है बाउंडेड वेट नहीं है लेकिन पीटरसन में दोनों चीजें हो रही है प्रोग्रेस भी और बाउंडेड वेट भी बिकॉज पीटरसन का दूसरा नाम ही क्या होता है टू प्रोसेस सॉल्यूशन और इसका जो सूडो कोड होता है वो इस टाइप का होता है कि कोई ना कोई एक तो जाएगा ही जाएगा अब बाउंडेड वेट का असली मीनिंग क्या है अरे प्रोग्रेस हो रही है का मतलब क्या है भाई प्रोग्रेस हो रही है का मतलब क्या है कि आप पीवन दूसरी बार भी जा सकते हो दूसरी बार भी जा सकते हो अरे हाँ ना सर, yes और अगर आप दूसरी तीसरी चौथी बार भी जा पा रहे हो तो भाई साहब समझ रहे हो बाकी जने आपका वेट करते रह जाएंगे यानी वेटिंग टाइम कोई बाउंडेड नहीं है इफ यू वांट टू गो यू कैन गो देन व्हाट शुड आई डू आई द प्रोग्रेस अगर then bounded weight is not satisfying but in the case of strict alternation sorry petersen solution because it is a two process solution here mutual exclusion is satisfy that is a different thing progress is satisfy and bounded weight is also satisfy clear everybody yes, sir clear ho gaya bhai aa raha ho yes sir clear, okay, yes. yes, clear. to so, kahe tension lete ho beta sir bounded weight acha nahi hota na uh, bounded weight hona chahiye hona chahiye यानी यस यस क्यों अच्छा। अरे भाई दस का मैं दस, दस के डाउट दस के डाउट ले रहा हूँ आपके डाउट नहीं ले रहा अच्छी बात है क्या सबका टर्न आना चाहिए ना बेटा ना रहना चाहिए बर्नट भाई हां वो अभी थोड़ा सा यस थोड़ा और सो, सोचना पड़ेगा सोच आराम से टेंशन नहीं मत लो कीजिए जल्दी से क्या सर अच्छा लिखना है और क्या करोगे सब बच्चों को क्लियर है राइट डाउन इन चैट बॉक्स जस पीटरसन इज बेस्ट हियर उतार लिया सभी बच्चों ने Yes, ये गेट के क्वेश्चन भी कर लिए थे yes, जैसे आनो नेक्स्ट आ गया भाई

यस yes, तो सर कल मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा सर वो पीडीएफ भेज दीजिएगा जो आज क्वेश्चन कौन सी आज जिससे क्वेश्चंस करा रहे थे सर काय के पाइपलाइनिंग के नहीं अभी ओएस के वो अभी नहीं दूंगा बेटा अच्छा सर कल दूंगा वो मैं जान के भाई अभी कहा तो क्वेश्चन कराने कल को तुम भाई साहब अंसा देखो पीछे से आ रहा सर भी लगाओ हमारा ऐसे नहीं बेटा थोड़ा सा ठीक है यस सर एनी डाउट नो सर ठीक है बच्चों थैंक यू एवरी वन थैंक यू थैंक यू बच्चो थैंक यू थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू बेटा थैंक यू थैंक यू